नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन मेहरोत्रा और मैं हूँ न्यूरोसर्जन सनशाइन हॉस्पिटल सिकंदराबाद ब्रांच में। हम सभी को लाइफ में कभी ना कभी सीरियस हेडेक हुआ है और जब ये सिरदर्द काफ़ी तेज़ होता है तो और तो हमको एक डर सा रहता है कि हमको लाइफ शायद कहीं कुछ ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, और इन सब में सबसे डरावना और खौफनाक होता है कि कहीं हमको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। सिर में दर्द ब्रेन ट्यूमर का सबसे कॉमन और फर्स्ट सिम्टम होता है, बट ट्यूमर के साथ का सिरदर्द जो होता है उसका कुछ खास बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्यूमर एसोसिएटेड या ब्रेन में ट्यूमर से एसोसिएटेड जो हेडेक होता है वो ज़्यादातर मॉर्निंग में सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में होता है और हमारी नींद इस हेडेक के साथ ही खुल जाती है। दूसरी बात, जब भी ये हेडेक होता है उसके बाद जब ये हेडेक काफ़ी सीरियस और तेज़ होता है उसके बाद वॉमिटिंग होती है या उल्टी होती है, और हमारा हेडेक ये उल्टी की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। नंबर 3, अगर हेडेक के साथ साथ हमारी आँख की रोशनी भी कम होने लगती है, जैसे अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी आँख की रोशनी का एक रेंज होती है, अगर हम देख रहे हैं कि हम बाहर की तरफ या पेरिफेरी में बाहर की तरफ देखने में हमको दिखाई नहीं देता है ठीक से, तो ये एक एसोसिएशन हो सकता है ट्यूमर का। नंबर 4, अगर हमको कई बार से हेडेक है जो धीरे धीरे कई सालों से बना हुआ है बट अभी हम देख रहे हैं कि वो हेडेक का करेक्टर यानी जिस प्रकार का हमारा फीलिंग आता है हेडेक का वो चेंज हो रहा है, वो हेडेक बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी आ रहा है, अगर उस हेडेक का इंटेंसिटी और तीव्रता यानी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। तो अगर आपको हेडेक है, सिर में दर्द है जो काफ़ी समय से है और आपको उसका निदान नहीं मिल पा रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि एक आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर ट्यूमर है तो उसका इलाज भी संभव है, बिकॉज जितना जल्दी हम उस चीज को डायग्नोस करेंगे उतना बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। Sunshine,